कन्नौज में चार दिन पहले समधन से नगर दवा लेने गए युवती को दो युवक झांसे में लेकर एक नलकूप पर ले गए, जहां एक युवक ने उससे दुष्कर्म किया जबकि दूसरे ने वीडियो बना लिया। कन्नौज के थाना गुरसाहेगंज के समधन स्थित एक मोहल्ले निवासी 24 वर्षीय युवती ने बताया कि 24 अप्रैल की दोपहर करीब 2:30 बजे वह गुरसाहेगंज में दवा लेने आई थी। नगर के तिराहे पर तालिब तथा सलमान उर्फ सल्लू निवासी पछाएं पुरवा समधन ने घर छोड़ने की बात कही। युवकों के झांसे में आकर वह बाइक पर बैठ गई। दोनों आरोपी उसे तेराजा गेट स्थित एक नलकूप पर ले गए, जहां तालिब ने उसके साथ दुष्कर्म किया जबकि सलमान ने उसका वीडियो बना लिया। युवती ने बदनामी के डर से परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी। वहीं युवकों ने सोशल साइट पर वीडियो वायरल कर दिया। जानकारी होने पर शुक्रवार को पीड़िता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। सीओ ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जल्द ही उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। दो लड़के थे, एक लड़के ने दुर्घटना की है, एक लड़के ने मूवी बनाई है। क्या किया? जबरदस्ती पकड़ा है और बलात्कार किया है, गंदा काम किया है। फिर क्या किया? फिर हमने उसे मना करा रोकने के लिए, पर वो उसने मारा मुझे, जबरदस्ती की है। मूवी बना के फिर व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाल, धमकी दी थी कि मैं अगर घर बता गई तो तुम्हें मार डालें, पूरे घर को, तुम्हारे भाई को मार डालें, एक तुम्हारा भाई है। हमारी बहन को गुस्साइन से अगवा किया था, कट्टो के दम पे, और उसे उठा के ले गए, जबरन ही जबरदस्ती सब कुछ किया है। कहा कि ऐसा नहीं करोगी तो गोली से मार देंगे यहीं पे। तो उसने जान बचाने के चक्कर में जैसा कहता रहा वैसे ही करके, जो जहाँ पे उसने मार कूट नहीं की वहाँ की वीडियो उसने सब कहीं वायरल की है। आज तक किसी भी बलात्कार में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुजरिम ने बलात्कार करके वीडियो वायरल की हो। हम चाहते हैं उसको फांसी हो या फिर उसके उम्र कैद होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हम सब लोग जान से मर जाएंगे। एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें अभियुक्तों द्वारा एक दुष्कर्म करते हुए और उसकी वीडियो जो वायरल कर दी गई। पीड़िता की तहरीर पर दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 376, क्योंकि जो दुष्कर्म किया गया एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, दूसरा वीडियो बना रहा था, इसमें 376 और 66 ITA के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, दबिश दी जा रही है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए कन्नौज से अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट।